वेलकम फवाद, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। जरा अपने तासुरात बताएं। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट योर फिल्म, हाउ अबाउट यू? आप बताइएगा, कितना इंतजार है? एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मैं एक्साइटेड से ज्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 15 साल गुजर गया है। 2007 में शायद आई थी खुदा के लिए, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म इन पाकिस्तान, और अब ये मेरी दूसरी फिल्म है 15 साल बाद। सो इट्स मुझे लगता है कि बड़ा पोएटिक किस्म का होम कमिंग है मेरे लिए, बिकॉज एक तो जिस तरह आपने कहा, एक बहुत सालों पहले हमने एक शो किया था, उसमें तो मैं मौला नहीं था, बट अब मैं मौला हूं, और आई थिंक मौला की इट्स द रिटर्न ऑफ मौला जट, आई थिंक, एंड रिटर्न ऑफ फवाद खान इन द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। अच्छा फवाद, इन द मीन टाइम आपने जाहिर है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बॉलीवुड में काम किया और वहां आपको खूब पजीराई मिली, और सर्टनली फिर आपने जब इतनी ब्रेक के बाद यहाँ पे आके एक दोबारा से पाकिस्तानी फिल्म में काम किया, तो क्या आपने वहाँ जो स्टैंडर्ड्स देखे उनसे बेहतर आपका ये एक्सपीरियंस रहा, या एटलीस्ट उस जैसा रहा? बिकॉज वी नो कि बॉलीवुड फिल्मों की एक ग्लोबल ऑडियंस होती है और पूरी दुनिया में उनके काम को देखा जाता है, सराहा जाता है, लेकिन इस फिल्म के रशेज और ट्रेलर देख के तो हमें लगता है कि ये तो उससे भी कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ ही बन गई है। देखिए, इस फिल्म का जो सिग्नेचर है, जिस तरह हम आपस में कभी डिस्कशन करते थे, हमारी आपस में बात होती थी बिलाल के साथ, हमजा के साथ, हम सब when we saw the trailer, जब हमने फिल्म देखी, जब हम एडिट पे थे, तो ये आई थिंक एक यूनानिमस सी एक रूलिंग थी कि इस फिल्म की जो लुक फील है, इट इज वेरी ओरिजिनल। ये ना हमारे मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में ना हमारी मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में आई थिंक इस तरह की पिक्चर जो है, एक तो बनी तो नहीं है, बट एक चीज़ होता है ना कि जब आप पहली झलक पड़ती है तो आपको समझ आ जाता है कि यार हाँ, ये उस तरह की फिल्म होगी, इसकी लुक उस तरह की है। बट दिस फिल्म इज़ वेरी ओरिजिनल। ना मैं मानता हूँ बॉलीवुड में भी इस लुक की, इस तरह की कैरेक्टर्स की, क्योंकि ये कैरेक्टर्स भी जो है आमतौर पर हम बहुत ज़्यादा उसमें यू नो वैनिटी और ब्यूटी में पड़ जाते हैं कि नहीं, ये लुक जो है इतनी अच्छी नहीं लगेगी, चलो यहाँ से दाढ़ी कर दो कम, यहाँ से मूछ कर दो कम, इसमें तो बिल्कुल जांगलूस हैं और आपका हीरो सबसे ज़्यादा जांगलूस है इसमें। सो आई थिंक दैट वी हैव काइंड ऑफ ब्रोकन ऑल द नॉर्म्स, हमने बड़े रूल्स तोड़े हैं जो कि बन चुके हुए थे मेन स्ट्रीम सिनेमा के, एंड दैट गिव्स इट अ वेरी यूनिक पोजिशन। अच्छा फवाद, ये बताइएगा कि क्या आप वुड यू टर्म इट द लेजेंड ऑफ मौला जट टू बी टाइमलेस? बिकॉज जितने एक्सपर्ट से फिल्म क्रिटिक्स से हमने बात की है, वो कहते हैं कि इसमें एक और दौर बनाया हुआ है, एक और दुनिया जो है वो बनाई हुई है। सो द फैक्ट दैट यू नो द मूवी गॉट मेड अ फ्यू ईयर्स बैक और अब रिलीज हो रही है, इट शुडंट मैटर, बिकॉज इज दैट वॉट यू थिंक इज वेल टाइमलेस इसकी क्वालिटी है? जी, मुझे लगता है टाइमलेस है, मुझे लगता है टाइमलेस है। ये एक हमने एक कोई ऐसा एक अपना एरा और एक ऐसा दौर बनाया है पंजाब का, जिसमें अब आई डोंट वांट टू गिव टू मच अवे, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट इज इसका एक्शन, इस सब चीज़ें, इट्स सेट इन अ डिफरेंट टाइम, एंड टाइमलेस इस तरह भी है कि जिस तरह ओरिजिनल मौला जट थी, उसके डायलॉग्स जो हैं, जो कि बहुत आइकॉनिक डायलॉग्स समझे जाते हैं, एंड दैट फिल्म उसकी एक कल्ट क्लासिक, उसको एक कल्ट स्टेटस मिल गया था, तो आई थिंक उस कल्ट स्टेटस से उठ के अब ये लाइक दिस इज द नेक्स्ट आइटरेशन, और इसके अंदर जिस तरह के डायलॉग्स बोले गए हैं, जिस तरह के डायलॉग्स लिखे गए हैं, नासिर अदीब साहब ने लिखे हैं, आई थिंक ये पूरी की पूरी फिल्म एक लंबी पोएट्री लगती है। सो या सो आई फील दैट दिस विल ऑल्सो have like this will also be remembered, not just because ye Pakistan ki recent film history mein sabse ambitious film hai, but also because iska har ek jo hai na, like every department has done something to make it something that you would want to see in your library shelf. Kabhi iski, ab to DVDs ka zamana gaya, but agar hota to
आप निकाल के फिर से देखेंगे 10 साल। अच्छा, व्हेन यू साइंड अप फॉर दिस फिल्म, फवाद, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे नॉर्म्स तोड़े हैं, मतलब आप फवाद खान हैं, लोग आपकी एक झलक देखने के लिए मरते हैं, पर्टिकुलरली खवातीन, मगर इस फिल्म में आप देखें तो वो उस तरह से मतलब वो आप पूरे कैरेक्टर में ढले हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें कहीं ये नहीं, जैसे आपने मैंशन किया कि कहीं से दाढ़ी ट्रिम कर दो, कहीं से कुछ कर दो, फिर आपने वेट भी पुट ऑन किया, फिर एक अजीब सा इन्वायरमेंट है इस फिल्म में, सो आपने अपने आप को कम्प्लीटली एट द डिस्पोजल ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर छोड़ा हुआ था, या आप लोगों का कि भाई हाँ आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, मतलब मैं फवाद खान तो हूँ लेकिन इस कैरेक्टर के लिए मैं फवाद खान नहीं हूँ, मैं सिर्फ मौला जट हूँ? मुझे तो बहुत अरसे से पूछ ली थी कि मैं कुछ इस तरह की चीज करूँ। you'd be surprised, they had to hold me back. मैंने तो कहा था कि इसकी एक आंख तो ना वो ऐसे लगे जैसे कि आंख फट चुकी है और उसको सी के बंद किया हुआ है। So I was going, मैं तो इसको और आगे लेके जाना चाह रहा था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने कहा नहीं नहीं बस 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 यार यहाँ पे रुक जाते हैं, ये काफी हो गया। I'm very excited about character transformations, क्योंकि मेरे लिए एक्साइटिंग ज्यादा ये होता है कि हर किस्म का जो है हीरो होना चाहिए, हर किस्म का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो विलन हो, चाहे वो एम्बिग्यूस हो। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो आई एम सेइंग दैट मुझे नहीं लगता कि अपने आप को टाइपकास्ट कर ले बंदा, कि यार वजन बढ़ा के कम करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, इंकरेज बिल्कुल नहीं करूंगा करना, इट इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस थिंग टू डू, एंड आई थिंक जो एक्टर्स कर लेते हैं उनकी बड़ी हिम्मत है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये जरूर लगता है कि मजा फिर शायद एक्टिंग का उसमें होता है कि जब आप एक कैरेक्टर में अपने आप को यू नो लाइक आप यू पुट दैट कैरेक्टर ऑन एज अ स्किन, उसकी स्किन उसकी चमड़ी पहन लेते हैं। सो वी थॉट कि इसको तो इसी तरह ही करना चाहिए, बल्कि मैं तो लाइक आई सेड आई वांटेड टू टेक दिस मेनी मोर स्टेप्स फर्दर। तो मैं तकरीबन था 78 किलो का और मैं चला गया तकरीबन 100 किलो पे। अच्छा, बिल्कुल आपकी क्वालिटी भी फवाद, जितने आपने कैरेक्टर्स अब तक किए हैं आपकी क्वालिटी भी ये है कि आप ऑथेंटिक लगते हैं, यू डोंट लुक लाइक हु यू आर, मतलब इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्ले दैट कैरेक्टर। अब हम कैरेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मौला जट से ज़्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर हमने नहीं देखा, मतलब हमारी कोलोकियल टर्म्स में मौला जट जो है वो यूज़ होता है, पाकिस्तान से बाहर आप चले जाएं, सीरियस बात हो रही हो, मजाक हो रहा हो, मौला जट का जिक्र आ जाता है। अब मौला जट का आगे से नेमेसिस जो है वो नूरी नथ है, मतलब देर इज़ अ होल कैरेक्टर अराउंड द होल सीन विच हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रेडी हैं कि इन वेरिएबल कंपेरिजन्स तो होंगे और जिस तरह उसको याद रखा गया, तो आपको लगता है योर डिपिक्शन ऑफ मौला जट भी उसी तरह बात को आगे लेके चलेगा? देखिए, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता इस बारे में, और एक होता है ना कि अब सब कुछ कर लिया, अब बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया, अब दिस इज दैट पॉइंट इन टाइम, अब लोगों की मर्जी है अब आगे वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हमने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी पूरी की, It was a labor of love, of blood, sweat and tears. और अब इसको हम इस मकाम तक लेके आए हैं, इस स्टेज तक लेके आए हैं, अब आगे लोगों ने इसको लेके जाना है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि उनको वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ऑब्वियसली सुल्तान भाई साहब की शूज़ आर वेरी बिग टूकर, ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, वो तो वैसे ही इंडस्ट्री लेजेंड है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडल। तो हमने ये जरूर कोशिश की कि हम वो मौला जट बनाए जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, सो आई थिंक वहां पे शायद हमारी कंपैरिजन से थोड़ी सी बचत हो जाए। बट हाँ, नाम मौला जट है तो कंपैरिजन इज इनएविटेबल, या सो मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ। अच्छा, डायलॉग्स की हम बात कर रहे थे अभी, हम राशिद ख्वाजा साहब से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मतलब एवरी डायलॉग, आपने भी अभी पोइट्री की बात की, और इवन पुरानी वाली मौला जट के, चाहे वो मौला के डायलॉग हो, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, चाहे वो नूरी नथ के डायलॉग हों, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स क्या हैं जो आने वाली दहाइयों तक याद रखे जाएंगे? बिल्कुल है,
बिल्कुल हैं, लेकिन आप मुझसे अगर एग्जांपल मांगेंगे तो मैं एग्जांपल नहीं देंगे। हम चाह रहे थे उधर आए हम, लेकिन नहीं आए। एक जस्ट थ्रो इट आउट देयर फॉर अस। मुझे पता है कि आप कहां जा रहे हैं। अच्छा एक सवाल जो हम पहले भी कर रहे थे, जी जी जी, के आप के फ्रेंड्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, ऑब्वियसली आपने बॉलीवुड में काफी काम किया, इनफैक्ट यहाँ से ज्यादा काम आपने अक्रॉस द बॉर्डर किया, और ना सिर्फ हमें आपकी फिल्म का इंतजार था बल्कि आपकी उधर वाली ऑडियंस को भी। आपकी फिल्म वहाँ पे यहाँ से ज्यादा काम नहीं किया, फिल्मों की तादाद की बात कर रहे हैं पाकिस्तान से ज्यादा बाहर की हैं। सो आपके जो क्रॉस द बॉर्डर आपके फ्रेंड्स हैं, जो जिनकी फिल्में यहाँ देखी भी जाती हैं, पसंद भी की जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें क्या छुपाने वाली बात है, वो जब आपके रशेस देख रहे हैं या ट्रेलर्स देख रहे हैं, टीजर्स देख रहे हैं, उनका क्या फीडबैक आ रहा है? मैं दोस्तों का कह सकता हूँ उनका फीडबैक बहुत सॉलिड है। amongst industry friends, they absolutely loved it. अब ना क्या उसके बाद वो क्या है मजीद, ट्रेलर जिस तरह कहते हैं ना, ट्रेलर झलक होती है, तो ये झलक है। अभी तो द रियल डील इज टू कम, एंड द रियल डील इज वेरी इंटेंस। आई गारंटी इट कि जो आपने ट्रेलर में देखा है वो शायद 4-5% भी नहीं। सो उसी की बेसिस पे देयर इज बीन अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और मैं जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले ब्रेक में कि DCP जब आई थिंक एक्सपोर्ट हो रही थी इसकी, तो इन्होंने बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को दिखाया, डिफरेंट नेशनलिटीज के, एंड आई डोंट, मतलब एक होता है ना कि कभी कभार आपके पास लव्स कम पड़ जाते हैं, बड़े भोंडे लव्स होते हैं ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली उसका रिएक्शन क्या था, तो उनके साथ हो गई, वो उनको बहुत दे वर स्टंड जिन्होंने देखी है। एक्साइटमेंट लेवल जो है ना बढ़ता जा रहा है हर इंटरव्यू के साथ हमारे। हम साथ साथ फवाद खान आपसे बात करते हुए यहाँ लोगों को कह रहे हैं इट्स अ बिग स्क्रीन मूवी, तो हम लोगों को यही अर्ज करेंगे कि यू नो गो वॉच इट आउट इन द सिनेमास, क्योंकि जितने रशेस हमने ट्रेलर्स वगैरह देखे हैं, जस्टिफाई तो बड़ी स्क्रीन ही इसको करेगी। ये ज़रूर बता दें फवाद, बिकॉज ऑब्वियसली वी वुड लाइक एवरीबडी टू वॉच इट। बहुत से लोगों की ये राय है कि जी जब इतनी बड़ी फिल्म आ रही हो तो उसको, और ख़ास तौर पे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड भी उसकी रिलीज़ हो रही हो, तो लैंग्वेजेस भी थोड़ी सी उन लोगों के टाइप की होनी चाहिए। ऑल्दो हम मौला जट को पंजाबी के अलावा कुछ इमेजिन कर नहीं सकते किसी और ज़बान में, तो हमारे कराची में भी कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि जी हमें समझ आ जाएगी जो इतनी हार्ड, हमने उन्हें तसल्ली दी है कि आ जाएगी लेकिन आपकी तसल्ली ज़्यादा मैटर करेगी। आप भी बता दें। तो मुझे ये लगता है, अच्छा आपस की बात ये है कि आपस की क्या बात है, मतलब दिस इज अ नोन फैक्ट, मैं खुद जो हूँ थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताता चल रहा हूँ, बॉर्न इन कराची, ठीक है, मेरा एक सोर्ट ऑफ स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक रहा है हमेशा, हालांकि मेरे वालिद साहब लाहौर में बड़े हुए एंड पंजाबी उनको भी आती है, वालदा को भी आती थी, बट बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी मैंने पंजाबी सीखी नहीं। फिर मैं लाहौर आना हुआ जब मेरा, तो फिर वो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जैसा कहते हैं ना, देयर इज दिस एक सैड ट्रेजेडी है कि यहाँ पे हमारी रीजनल लैंग्वेजेस नहीं सिखाई जाती स्कूल, एटलीस्ट नॉट लाइक, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, इससे एक तो कल्चर जिंदा रहता है, एंड आई थिंक लर्निंग लैंग्वेजेस दैट आर क्लोजर टू योर होम गिव्स यू मोर आर्टिस्टिक फ्रीडम, बिकॉज आपने कहानियाँ तो अपनी बतानी होती हैं। तो बात ये सारी करने का मकसद ये था कि मेरी पंजाबी बहुत कमज़ोर है और मैंने ये पंजाबी इस फिल्म के लिए सीखी, लेकिन इसके साथ साथ जैसा आप मुझे कहेंगे ना कि यार कोई डायलॉग सुना दो, बहुत सारे डायलॉग्स मैं भूल चुका हूँ, बिकॉज इट्स नॉट माय नॉर्म, मैं सुबह उठ के पंजाबी बोलना नहीं शुरू कर देता, ना ही मेरा जो है कम्युनिकेशन लोगों के साथ इस तरह होता है। बट आप जब ये फिल्म देखेंगे तो ये फिल्म इतनी विजुअल टेलिंग फिल्म है के लोगों के लबो लहजे से आप पता लगा सकते हैं कि बात क्या हो रही है, एंड बिकॉज इट इज सच अ विजुअल फिल्म दैट जिस तरह लोग फॉरेन फिल्म्स देखते हैं, जिस तरह एक क्रेज बना हुआ था कोरियन ड्रामास देखने का, आई होप कि लोग इंग्लिश में नहीं देखते होते, बिकॉज दैट बिकम्स फनी देन। मैंने खुद जो है अगर कोई देखते कोरियन ड्रामास तो मैंने उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा, एंड लैंग्वेज हैज नेवर बीन अ बैरियर।
If the story is visually telling, to phir language is never a barrier. So it's not going to be a barrier in this case as well. Hopefully, inshallah. बिल्कुल barrier नहीं होगा. मुझे लगता है कि बहुत पसंद आएगी. In fact, I think इसके बाद कुछ अच्छा जो है मुझे लगता है that this will catch on. ये सारा जो डायलॉग है नहीं है गाना लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है, एक है और एक परफॉर्मेंस भी है, बट ये कह देना कि हाँ जी ये वो सिंग एंड डांस है तो सिंग एंड डांस नहीं है. ऑलराइट, वंडरफुल. और भी इंट्रीग हम हो गए हैं मूवी के बारे में, बिकॉज हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं पाकिस्तानी फिल्म विदाउट यू नो सॉन्ग एंड डांस काइंड ऑफ सिचुएशन. और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपनी कुर्सी से उठेंगे नहीं, फिर भी नहीं उठेंगे आप अपनी कुर्सी. तो हमें यकीन है इंशाल्लाह. अच्छा फवाद, दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट एक्शन फिल्म, तो वर यू लाइक अ लिटिल स्केप्टिकल कि हाँ भाई मैंने एक्शन करना है और भरपूर ऐसा गंडासा एक्शन करना है, वैसे तो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का एक्शन है, या कोई ट्रेनिंग थी या कोई रिहर्सल्स तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होंगी. जी मैंने एक्शन इससे पहले नहीं किया हुआ और इस लेवल का तो एक्शन बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था. हमारी एक एक्शन टीम बाहर से आई थी जिन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी की, एक्शन डायरेक्शन की एंड के साथ काम किया. इट इज़ अ वेरी पेनस्टेकिंग प्रोसेस क्योंकि ये जो गंडासा खुद है ये इसकी रेप्लिकाज जो है ना वो उस तरह ये जरा सेफ मटीरियल्स में या रबर में इस तरह की चीज़ों में बनाना वाज़ अ बिट डिफिकल्ट. टोका तो फिर भी आप बना रहे थे, टोका तो वो होता है ना जो ऊपर गंडासी के ऊपर जो एक्स लगा, वो तो आप चले वो उसका तो आपने कर लिया कि चले वी हैव टू कीप इट, हालांकि उसका भी वजन था, बट जो स्टाफ होती है जो डंडा है वो लकड़ी में ही बना रहा और उसको उठाना आई थिंक इट वॉज अराउंड 6 किलो 7 किलो का था, उसको घुमाना एक्शन करना के साथ इट वॉज अ डिफिकल्ट थिंग एंड बहुत चोटें भी लगती थी, बट आई गेस दैट हैपेंस इस तरह के कामों में ऐसा होता है एंड मुश्किल था बट आई थिंक हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट करके जितना हम कर सकते थे और हम बड़े खुश हैं देख के, अपना रिजल्ट तो देख के खुश है और अपना रिजल्ट देख के तो हर कोई खुश होता है, बट नाउ इट इज़ अप टू यू गाइस टू टेल हाउ वेल वी डिड. Well, let us give you an insight. We already love it. Abhi humne movie nahi dekhi and we are loving the rushes and the trailers and we are really looking forward to the movie. In fact, I think the entire country is because we've been waiting for it for a while. Fawad, thank you so much for being with us this morning. Aapne to film mein kaam kiya hai, jin logon jin veterans of the industry ne film already dekh li hai. They are raving about it. Wo to matlab deewana waar is film ke bare mein guftugu kar rahe hain. Thank you so much. Bahut shukriya. Thank you for being with us. Thank you, Jeesh. चले जी, अब देर इज नो रीजन, अब तो फवाद खान से भी मुलाकात करवा दी है आपकी, तो और बाय द वे ये पहली मुलाकात है, इसके बाद भी होंगी, हो जाएगी और भी.